Hello everyone class 7 science chapter 12 reproduction in plants the fertilization process. So before this topic we already have discussed about the asexual reproduction in plants, sexual reproduction in plants and we covered uh, we covered under this topic all the subtopics. So today our topic is the fertilization process is the last topic of this lesson. So in this topic are in these topics are there,

ठीक है और फ्लावर का पा, प्लांट का मेल गे, फीमेल गैमेट जो होता है पिस्टल में होता है पिस्टल में ओवरी में पाया जाता है ठीक है तो जायगोट जो जायगोट होता है इन पोलन ग्रेन्स और ओवरी में पाए जाने वाले ओवम के मिलने से बनता है डायग्राम में आपको समझाऊंगी मैं भी द इज इसम एज द फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑकर्स तो जायगोट कैसे बनता है मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है और ये जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ जायगोट की इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और जायगोट टपलप करके आगे किसने बदल जाता है इम्रियो में बदल जाता है सो हियर इज द डायग्राम आर ए नंबर डायग्राम हम देखेंगे ऊपर टॉप पे हमारा पोलन ग्रेन्स दिया है जर्मिनेटिंग है ना काला काला डॉट दिख रहा है पोलन ग्रेन्स का और फिर नीचे दिया है ओवम काला काला डॉट दिख रहा है तो जो, जो काला काला डॉट पोलन ग्रेन्स है वो इस ट्यूब से होते हुए नीचे ओवम तक पहुंचता है और ओवम पे ओवम के ओवरी के तक पहुंचता है ओवरी में ओवम है हमारा ओवम में जाके वो फ्यूज होता है उससे मिल जाता है और मिलने पर जायगोड़ का फॉर्मेशन होता है जो सेकेंड नंबर बी डाइग्राम में आपको शो किया जा रहा है सो so, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ फ्रूट्स एंड सीड्स का फॉर्म फ्रूट्स और सीड्स कैसे बनते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो फ्लावर्स की ओवरी होती हैं ग्रो करती हैं डेवलप करती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं और जो रिमेनिंग पार्ट होता है फ्लावर का जैसे कि पेटल्स उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं उसमें फिलाेंट्स होते हैं तो वो सब क्या होता है सूख के मुरझा कर गिर जाता है ठीक है सीड्स और जो इमरियो होती है से इंक्लोज हो जाती है दबलप एंड फॉर्म सीड्स ऑफ द फ्रूट्स और जो ओव्यूल्स होते हैं डवलप हो जाते हैं डवलप होने के बाद वो फलों के सीड्स के रूप में डवलप होते हैं आप जो फलों के अंदर बीज देखते हैं असल में वो फ्लावर्स का ओव्यूल होता है ठीक है और जो इम्रियो इज इंक्लोज और जो इम्रियो होता है वो सीड से इंक्लोज हो जाता है सम फ्रूट्स ऑफ फ्लैशी एंड जूसी कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं फ्लैशी और जूसी होते हैं जैसे मैंगो एप्पल और ऑरेंज इसमें फ्लैश होता है और, और फ्लैश मतलब गूदे टाइप का होता है और रसा होता है और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो काफी हार्ड होते हैं लाइक आलमंड एंड वॉलट Here इज द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रूट्स एंड सीड्स का डायग्राम देखिए कि यहाँ पर आप देखिए ये आपका मास्क पहले आप यहां से देखिए ओवरी कंटेनिंग ओव्यूल आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का और फिर फ्रूट कंटेनिंग सीड्स ये आपका रहा फ्रूट के अंदर सीड्स पाए जाते हैं ठीक है और सीड्स से क्या होता है सीड्स के अंदर इमरे होते हैं और सीड्स जर्मिनेटिंग सीड्स पाए जाते हैं उसी से नया पौधा तैयार होता है नया पौधा आगे जाके सीडलिंग होती है सीडलिंग होने के बाद वो नया पौधा बन जाता है तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है वॉट इज़ द सीड डिस्पर्सल सीड डिस्पर्सल क्या होता है द ट्रांसपोर्टर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेस इज कॉल्ड द सीड डिस्पर्सल यानी का ट्रांसपोर्टेशन होना सीड्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्पर्स होना एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बटना डिस्पर्स होना पेरेंट प्लांट जैसे कि बड़ा सा कोई मैंगो का प्लांट है ठीक है उसके बीज का वहां से कहीं और जाना हवा के हवा के थ्रू पानी के थ्रू या कोई इंसेक्ट लेके जा रहा है या कोई ह्यूमन बींग यहाँ से वहाँ लेकर जाता है उसको लगा देता है तो ये होता है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल सीड डिस्पर्सल अलाउ ग्रोथ ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट इन डिफरेंट रीजन सीड डिस्पर्सल क्या करता है एक सेम काइंड का प्लांट को हम अलग प्लेस में अलग रीजन में ग्रो करने के लिए अलाउ करते हैं दिस इज़ हेल्पफुल बिकॉज इट्स मिनिमाइजिंग द कॉम्पिटिशन फॉर द फूड सनलाइट वाटर एंड मिनरल अलॉन्ग वाटर ऑफ सेम काइंड इन द एरिया ये बहुत ही हेल्पफुल होता है ये कॉम्पटिशन को कम कर देता है सपोज करिए एक जगह पर मतलब एक छोटा सा जगह है जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ लगे हैं तो आम के पेड़ लगे हैं तो आम के पेड़ को अब वहाँ पर कॉम्पटिशन प्लांट्स के बीच में ये होता है कि प्रॉपर सनलाइट की कॉम्पटिशन होती है न्यूट्रियस की कॉम्पटिशन होती है मिनरल्स की कॉम्पिटिशन होती है तो इस तरह से वाटर की भी होती है है ना अगर हो सकता है कि हम उसको नहीं दे पा रहे हैं तो प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे और दूर दूर कहीं अलग अलग प्लेस पे अगर प्लांट्स को लगाया जाए तो वहाँ पर ये सारे कॉम्पटिशन्स नहीं होते हैं उन्हें प्रॉपर सनलाइट वाटर मिनरल्स मिलते हैं इट अलाउ दैम टू ग्रो इन डिफरेंट हैबिटाट और डिफरेंट हैबिटाट में प्लांट्स का अलाउ होना ग्रो होना अलाउ करता है अब लिखा है हाउ द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स सीड्स का डिस्पर्सल कैसे कैसे होता है यहाँ पर देखिए तीन कॉलम आपको दिए गए हैं टेबल में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टाइप्स ऑफ सीड्स एंड प्रोपोगेट एंड तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में आपका विंड्स विंड्स यानी हवा अब हवा के थ्रू कौन कौन से सीड्स आता ड्रम स्टिक मेपल विंग सीड्स ग्रासेस ड्रम स्टिक मेपल क्योंकि विंग सीड्स होते हैं ठीक है, है ड्रम स्टिक हो गया ड्रम स्टिक जिसको मुनगा कहा जाता है उसकी सीड्स क्या है ऐसे हवा के थ्रू पेड़ में लगे रहते हैं तो यहाँ वहां बिखर जाता है फिर ग्रासेस है, होती हैं लाइट वेट सीड्स होती हैं आग हेयरी सीड्स होते हैं सनफ्लावर का भी हेयरी सीड्स होता है आप डायग्राम में देखिए सीड्स ऑफ डम एंड मैपल ड्रम स्टिक का सीड्स ए नंबर पे है बी में आपका मैपल की सीड्स देखिए कैसे कैसे बीज होते हैं हवा इनको कैसे हल्का सा उठा उड़ा जाता है और ए नंबर इधर नीचे देखिए आपका हेयरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर सनफ्लावर का फ्रूट देखिए और बी नंबर हेरी सीड्स ऑफ मदार आक तो इन सब के सीड्स को क्या होता है कि जो विंड होती है ईजली अपने फ्लो के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्पर्स कर देती है अब सेकेंड नंबर आपका आता है वाटर वाटर में आपका कोकोनट कोकोनट क्यों क्योंकि इसका जो बीज होता है काफ़ी स्पंजी होता है फाइब्रस कोटिंग का होता है जो पानी में फ्लोट भी करता है अब डायग्राम में देखिए ये रहा कोकोनट का कोकोनट का जो बीज होता है पानी में डूबता नहीं है तो ईजली यहाँ से वहाँ फ्लोट होता है और फिर इस तरह से प्लांट को ग्रो करने लगता है थर्ड नंबर है आपका एनिमल्स स्पाइनी सीड्स लाइक का जेंथियम एंड यूरेना गेट अटैच द बॉडी ऑफ एनिमल्स आपने देखा होगा एक जंगल एक खेतों वेतों में होता है कांटे काटे दाल हो जब कपड़ों पर चिपक जाता है ईजिली हमारे कपड़ों में या एनिमल्स के बॉडी में चिपक जाता है तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ये डिस्पर्स हो जाता है फिर नेक्स्ट आता है फ्रूट ब्रस्ट फ्रूट ब्रस्ट मतलब कैस्टर या बल्सेम अपने आप फट जाना है अपने जा, अपने आप जब ये फट जाता है तो पूरी हर जगह बिखर जाता है आप देख सकते हो सीड डिस्पर्सल इन ब्लासम प्लांट ये क्या होता है अपने आप फट जाते हैं इसके फ्रूट्स फ्रूट्स जो होते हैं जिससे इनका सीड डिस्पर्सल आसपास के एरिया में हो जाता है तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका चैप्टर चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है आई होप सो आपको ये चैप्टर खत समझ में आया होगा थोड़ा सा अलग है आपके प्रीवियस चैप्टर से जो आपने लास्ट ईयर क्लासेस में पढ़े हैं एक बार बुक रीडिंग जरूर करिएगा अच्छे से बुक रीडिंग प्रॉपर तरीके से करिए क्योंकि बुक में आपके एक्टिविटीज़ दी हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा ऐसा नहीं कि सिर्फ मैम का वीडियो देख लिया हो गया समझ में आ गया बुक रीडिंग भी प्रॉपर ज़रूरी है आपको बुक भी पढ़ना है आपको ओके सो ऑल ऑफ़ यू हैव प्लीज़ रीड योर बुक केयरफुली लिसन वीडियो केयरफुली एंड प्लीज़ कंप्लीट योर कॉपीज मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट सेंडिंग द कॉपीज बहुत सारे बच्चों ने कॉपी कंप्लीट करके मुझे सेंड नहीं किया है इतने सारे बच्चे हैं तीन तीन सेक्शन के बच्चे हैं फिर भी नहीं सेंड करते हैं प्लीज सेंड योर कॉपीज एंड कंप्लीट मत सोचिए कि स्कूल नहीं लग रहा है क्लास नहीं लग रहा है कॉपी कंप्लीट करे ना करे मैम तो देखने वाली नहीं है बेटा जब भी स्कूल लगेगा तब भी आपकी कॉपी चेक होगी मैं सीधे आपकी कॉपी मांगूंगी जहां तक मैंने करा दिया है वहां तक आपकी कॉपी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए सो टुमारो आई विल सेंड Exercise this lesson. All of you have please read carefully in your book. So, students, thank you and have a nice day.